कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन का तीसरे चरण का पांचवा दिन बीत चुका है, पर आज भी समाज सेवक लगातार अपनी सेवा करते आ रहे हैं। लॉकडाउन के पहले दिन से ही गोरेगांव के ओम श्री साई बाबा सेवा मंडल द्वारा भोजन राशन का वितरण किया जा रहा था। आज भी राशन वितरण करते नजर आए समाज सेवक मनोज सुरवी व किशोर गुप्ता। गोरेगांव के ओम श्री साई बाबा सेवा मंडल द्वारा सेब खिचड़ी राशन ही नहीं बल्कि एम्बुलेंस की सेवा भी दी जाती है, वह भी बिल्कुल मुफ्त, खासकर कोरोना के पीड़ितों के लिए यह विशेष कार्य भी किया जाता है। हम भी चलते हैं संस्था के इस कार्य को देखने और जानते हैं इनसे और सारी कई बात। ईश्वर सुरवे लॉकडाउन जिस दिन से 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, हम लोग अनाज बांटे सर, बना हुआ अनाज बांटे, मैं और अपना किशोर गुप्ता हम लोग साथ में मिलके सब जगह अनाज डिस्पूट करे, सब जगह अंधेरी से खाना लाते थे, संग वाले खाना बना के देते थे, इनसे सबसे हम लोग ने डिस्पूट करते खाना अनाज बांटे सब जगह। तो अभी एक महीने के बाद, एक महीना पूरा हो गया, उसके बाद अनाज हम लोग ने बंद किया, फिर घर में पकावे ऐसा खाना चालू किया हम लोग। खाने में क्या है? खाने में खिचड़ी है, पूरी भाजी दिए, कभी कभी दाल चावल दिए, भाजी चना मटोरा ये सब भाजी दिए, दाल चावल भाजी तीनों टाइप के हम लोग खाना दिए, कभी कभी पूरी भाजी देते थे, कभी पवा देते थे, जैसा जल्दी बने वैसा हम लोग काम करते थे। इन्हें एरिया सब पूरा कामा स्टेट गोरेगांव वीट भट्टी नाइकवाड़ी ऐसा सब ब्रिज के नीचे जितने गरीब लोग हैं उनको भी हम लोग ये करते हैं। ये कम से कम मैं 14-15 साल से सेवा कर मैं सब हाँ संस्था के नाम से ओम श्री साई सेवा मंडल संस्था है मंदिर हाँ बाबा का मंदिर का शिव साई श्री। तो मैं 14-15 साल से एम्बुलेंस देता हूँ, फ्री देता हूँ, चौकी को भी देता हूँ, सब लोग को फ्री देता हूँ। और ये कोरोना वायरस में भी मैंने एम्बुलेंस लगाया लेकिन कुछ लोग नहीं लेके जाते डर के मारे, फिर भी मैं देता हूँ एम्बुलेंस जिसको भी चाहिए, जिसको भी मदद चाहिए उनको मैं मदद करता हूँ, मैं आगे पीछे हटता नहीं उसके लिए। सर राशन बांट रहे, राशन कैसे बांट रहे हैं? सब पैकिंग करके मैं मेरे खुद के पैसे से बांट रहा हूँ। हाँ क्या क्या बांट रहे हैं? दाल चावल आटा है, नमक है, शक्कर है। कूपन से बांट रहे हो? नहीं ऐसा ही बांट रहा हूँ, कूपन का बहुत मगज मारी है इसके लिए डायरेक्ट बांटता हूँ, हर एरिया में जाके टेम्पो खड़ा करके बांटता हूँ। लोकडाउन में सब अपना शांति बनाए रखे, झगड़ा वगैरह नहीं करे, गर्दी नहीं करे, शांति से रहे अपने घर में और बीमारी ज़्यादा नहीं बढ़े जैसा सरकार बोलती है वैसा काम करे और पुलिस कुछ गरीबों पे अत्याचार नहीं करे। मैं किशोर जगन्नाथ गुप्ता और मनोज सर्वे हम लोग राशन वितरण किए गरीबों को गोरेगांव में और खाना भी वितरण कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गरीबों को देख रख रहे हैं, जो भी हेल्प लग रहा है चाहे एम्बुलेंस का हो या कुछ भी हो, तकलीफ हो एनी टाइम हम लोग आदमी को साथ में चल रहे हैं लेके। और ये इस टाइम राशन बांट रहे हैं तो चावल दाल गेहूँ शक्कर नमक इन्होंने वितरण किए हम लोग का। नहीं गरीबों को तो सेवा तो करना ही चाहिए, अभी इनको कौन देखेगा, अभी पब्लिक सब दुकानें बंद है, सब कुछ बंद है, फिर भी देना तो पड़ेगा कुछ खाने के लिए, तो हम लोग जहाँ ज़रूरत पड़ रही है जिसको ज़रूरत पड़ रही है दे रहे हैं। पहले के एरिया मतलब मुआना करते कि एरिया में देना है, एरिया में बांटना है ऐसा या अभी हम लोग जहाँ फ़ोन आया, जहाँ अगर फ़ोन आ गया कि भाई हमको नहीं है राशन तो वहाँ पहुँचा दिया जाता है फोन, और बाकी हम लोग एरिया घूम घूम के भी बांट रहे हैं कि किसी को तकलीफ ना हो। और दिन करते हो क्या? हाँ सर 50 दिन हो चुके मेरे ख्याल से। हाँ हम लोग अभी जब से लॉकडाउन हुआ है कभी खिचड़ी बांट रहे हैं, कभी पूरी भाजी बांट रहे हैं, तो कभी खाना बांट रहे हैं, सब ऐसा सुबह शाम बांट ही रहे हैं गरीबों को। और हर चीज मतलब मास्क का डिस्पेंस? हाँ मास्क का भी बांट रहे हैं, कहीं कहीं मास्क हाँ डिस्पेंस बना के, क्यों हर एक 10 फुट के दूरी पे बना के रखना चाहिए। राशन बांट रहे राशन में चावल दाल चावल दाल गेहूँ हुआ ये आटा हुआ नमक हुआ ये सब दे रहे हैं, क्यों हाँ तकलीफें तो नहीं आ रही है, मगर मैं तो यही आदमी से सभी से यही गुजारिश करूँगा कि घर में रहें अपने
डिस्पेंस बना के रहे हैं, ऐसे कोरोना वायरस के हिसाब से बाहर ना निकले ज़्यादा, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत हो वही निकले, वो भी डिस्पेंस बना कर रहे, मास्क लगा के निकले, दूरियाँ बना के रहे, यही हम सबसे गुजारिश कर रहे हैं कि दूरी बना के रहें।